या अधिमानसिक देव। युग परिवर्तन प्रकृति का अटल सिद्धांत है। जब सतयुग नहीं रहा, त्रेता युग नहीं रहा, द्वापर युग नहीं रहा, तब एक चरण का छोटा सा कलयुग कैसे रह सकेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के चौथे अध्याय के पांचवें श्लोक में कहा है, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। हे परम तप, उन सबको तू नहीं जानता है और मैं जानता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, हर युग में जब पाप बहुत अधिक बढ़ जाता है तब मैं अवतार लेता हूं। इस प्रकार भगवान के पृथ्वी से अंतर्धान होने के साथ ही युग बदल जाता है। यह सत्य बीते हुए युगों से सत्य प्रमाणित होता है। इसी प्रकार इस युग की समाप्ति की बात वह महान आत्मा यीशु भी कर गया है। उसने भी कहा है कि मैं पिता की ओर से एक सहायक और भेजूंगा, जिसकी उत्पत्ति सीधी पिता से होगी। जब वह आवेगा तो यह युग समाप्त हो जाएगा। यीशु की भविष्यवाणियों के अनुसार उस सहायक का प्रकटीकरण इस 20वीं सदी के अंत से पूर्व ही होगा। इस संबंध में सेंट जॉन के 15 विसर्ग 26 और 16 विसर्ग 7 से 15 में कहा है, परंतु जब वह सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकला है, तो वह मेरी गवाही देगा, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, और वह आकर संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर कायल करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर न देखोगे, न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें दिखाएगा, बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें दिखाएगा, बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें दिखाएगा, बताएगा। यीशु ने एक ऐसा पक्का प्रमाण दिया है जिससे यह प्रमाणित होता है कि वह भी भक्त शिरोमणि कर्माबाई की तरह महान प्रेम भक्त, प्रेम मार्गी भक्त था। इस संबंध में सेंट मार्ग 9 विसर्ग 2 से 4 में कहा है, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस, याकूब और यहुन्ना को साथ लिया और उनको एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां पर उनके सामने उसका अर्थात यीशु का रूप बदला गया। उसका वस्त्र ऐसे चमकने लगा और ऐसा उज्जवल हुआ जैसा पृथ्वी पर कोई भी धोबी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता, और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया और वे यीशु के साथ बातें करते थे। इससे यह तथ्य प्रमाणित होता है कि मलाकी भविष्यवक्ता का एलिया नबी उस समय का यीशु नबी और भूतकाल का मूसा नबी एक शक्ति थी। मेरे इस कथन का अर्थ मात्र आध्यात्मिक व्यक्ति ही ठीक तरह से समझ सकेंगे। युग परिवर्तन की भविष्यवाणी करते हुए यीशु ने कहा है, विश्व में चर्च के नाम से एक पत्थर पर दूसरा पत्थर नहीं मिलेगा। सेंट मत्थ्यू 24 विसर्ग 2-3 में कहा है, उसने उनसे कहा, क्या तुम यह सब नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूं, यहां चर्च के स्थान पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। जब उसके चेलों ने उससे पूछा कि तेरे आने और युग के अंत, युग बदलने का क्या चिन्ह होगा, तब उसने संसार में आगे होने वाले परिवर्तनों का वर्णन किया। महर्षि श्री अरविंद ने अधिमानसिक देव के अवतरण की घोषणा करते हुए कहा है,
24 नवंबर 1926 को श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। महर्षि श्री अरविंद महर्षि ने इसी संदर्भ में कहा है कि मानव रूप में प्रकट हुई वह शक्ति अपने क्रमिक विकास के साथ अति शीघ्र विश्व के सामने प्रकट हो जाएगी। आश्चर्य देखो, संसार में कितना पाप बढ़ गया है कि विश्व के लोगों को आज भी विश्व के संतों की भविष्यवाणियों का बिल्कुल ही विश्वास नहीं हो रहा है, जबकि प्रकृति अपना कार्य प्रारंभ कर चुकी है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव सभी को। ये प्रोग्राम आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग के अंदर जोधपुर के द्वारा संचालित किया जाता है। सुबह और शाम को दो टाइम, सुबह 5 बजे और शाम को 7 बजे से। सुबह 5 बजे से 5:15 तक गुरुदेव की दिव्य वाणी, और उसके बाद 5:15 से 5:30 तक सामूहिक ध्यान किया जाता है। उसके बाद सुबह 7:10 7 बजे से 7:15 तक गुरुदेव की दिव्य वाणी, उसके बाद गुरुदेव मंत्र सुना जाता है। उसके बाद 7:30 से 7:45 तक हम सामूहिक ध्यान करते हैं। उसके बाद फिर हम गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठन करते हैं। फिर उसके बाद हम जो भी गुरुदेव का ध्यान करते हैं, उसकी जो भी अनुभूति होती है अपन को, प्रश्न होते हैं किसी गुरु भाई बहन के, वो साझा करते हैं मंच को। हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। जो भी गुरु भाई बहन कुछ अनुभूति हो, कुछ प्रश्न हो, मन में कुछ जिज्ञासा, तो कृपया एड्रेस करें। गुरुदेव ने मैं बताया कि आपको कुछ नहीं करना है, आराधना में दो टाइम का ध्यान करना है और मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप के लिए गुरुदेव ने बोला है आप हमेशा तेल की धार की तरह, मतलब लगातार मंत्र जाप करते रहिए। जो भी आपकी समस्या, आप किसी भी बीमारी से ग्रस्त हो, कोई पारिवारिक समस्या हो, बीमारी हो, समस्त समस्याओं का समाधान आपका संजीवनी मंत्र के द्वारा हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, बस दो टाइम का ध्यान करना है और संजीवनी मंत्र का लगातार जाप करते रहना है, और जितना हो सके आपसे उतना प्रचार करने की कोशिश करें, और टाइम मिले तो गुरुदेव की स्पीच सुने। उसमें जो भी आपके पर्सन है, जो भी मन में कुछ विचार चलते रहते हैं, उस हर पर्सन हर विचार का जवाब आपको गुरुदेव की स्पीच में मिल जाएगा। आपको कहीं कोई गुरु भाई बहन कृपया हैंड रेज करें, कोई भी गुरु भाई बहन। विनोद जी पुरोहित गुरु भाई, जय गुरुदेव। विनोद जी गुरु भाई मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कोई भी गुरु भाई बहन कृपया हैंड रेज कीजिए। गुरुदेव ने कहा आप किसी भी बीमारी से ग्रस्त हो, कोई पारिवारिक समस्या हो, समस्त समस्याओं का समाधान आपका संजीवनी मंत्र के लगातार जाप से हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आराधना में दो टाइम का ध्यान करना है और मंत्र जाप लगातार करते रहना है। बाकी जो कुछ है गुरुदेव करने कराने वाले, सब कुछ है, सब कुछ गुरुदेव के ऊपर छोड़ना है। गुरुदेव ने कहा आपको बिल्कुल बुद्धि लगाने का जरूरत नहीं है, बस आपको दो टाइम का ध्यान करना है और मंत्र जाप करते रहना है। बाकी अगर मुझ में गुंजाइश है तो आगे का काम मैं करूँगा। शायद कोई भी गुरु भाई बहन हैंड रेस नहीं कर रहे हैं आज। कोई भी गुरु भाई बहन हैंड रेस कीजिए। शांति जी ने हैंड रेस किया है। अपना कैमरा हो सके तो कैमरा ऑन कीजिए। नहीं भैया, कैमरा बाद में करूंगा। भैया जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भैया। मैं कुछ बताना चाह रही थी। अभी पिछले महीने की बात है, अक्टूबर के इसके नवंबर के घबराहट हो रही है, पहली बार बोल रही हूँ ना इसलिए। तो 13 तारीख की बात, तब गुरुदेव बोलेंगे आप बोले। तो मैं बेटी के यहाँ जाना था, बेबी होने वाला था बेटी के,
तो मैं 13 तारीख को गई, उससे पहले गुरुदेव ने शुक्रवार की बात है, शुक्रवार जी शनिवार की बात है, मैं सुबह ध्यान में बैठी थी तो बेबी मुझे पहले से दिखा दिया गुरुदेव ने ध्यान में गोद में। तो मैं चुप करके रही, किसी को नहीं मिलता है। उसके बाद भी मैं 13 तारीख को वहां चल गई, संडे है मेरे ख्याल से, मुझे अंदाजा नहीं है, संडे होगा उस दिन। जी जी। तो बेटी के पास गई तो जब मैं ध्यान से उठी ना तभी मुझे लग रहा है 2-3 दिन बाद उसका बेबी हो जाएगा। तो वही बात हुई जैसे मैं 13 को गई, 17 को उसको बेबी हो गया ऑपरेशन से, बड़े ऑपरेशन से। तो बेबी होगा जैसे मैंने झोली में देखा ध्यान में वैसे सेम टू सेम वही बेबी, तो बेटा था वो। तो मैंने किसी को कोई, क्यों मेरा विश्वास नहीं करते ना कोई भी, तो इस करके मैं किसी को नहीं बताया। तो उसके बाद में सब कुछ ठीक हो गया, बेटी घर पे आ गई। जैसे बेटी घर पे आई तो मैं गई तो काफी टाइम के लिए थी, तो मुझे सपने में दिखाई दे रहे मैं वहां से सामान लेके वापस घर आ रही हूँ। तो मैं सोच रही आई तो काफी टाइम के लिए हूँ तो क्या हो रहा मुझे समझ में नहीं आया। तो ऐसे कोई बात हुई तो बेबी 3-4 दिन बेटी के पास, बेटी आई अस्पताल से 3-4 दिन हुए। तो उसके बाद मैंने कोई ऐसी कोई बात होगी घर में तो मैं अंदर अंदर घुटती रही, मैंने बताया भी नहीं, मैं बेटी को बताऊंगी तो बेबी बेटिया भी आई है, किसी को बता भी नहीं पा रही थी। तो उसके बाद में बेटी समझ गई मम्मी कोई परेशानी है, तो मम्मी बता नहीं रही है। तो मैंने फिर बेटी ने इतना मुझे बताया मम्मी बताओ क्या बात है क्या बात है, मैंने उसे बताया तो बेटी रोने लग गई, मैं इसलिए नहीं बता रही मैं तेरे को। तो उसका 2-3 दिन में दूध बिल्कुल सूख गया, पहले तो खूब आ रहा था, दूध सूख गया बिल्कुल। तो अब परेशान हो रहे हैं सभी, इधर जवाई भी परेशान, इधर बेटी परेशान, मैं अंदर अंदर से घुट रही मैं अब किसे क्या कहूँ। फिर मैंने ना रात भर गुरुदेव का ध्यान किया, मैं गुरुदेव आप तो मिनटों सेकंडों में सब कुछ कर देते हो, तो इस समस्या का मेरा हल करो, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। तो जितना जब तक जागती रही वैसे ही ध्यान करती हूँ। सुबह बेटी उठी तो उससे पंप से दूध निकाला तो उससे दुगना दूध निकल गया, सुबह पंप से निकाला तो काफी निकल गया। तो दमाद भी कहने लगे जो तो चमत्कार हो गए ऐसे कैसे हो गया। तो मैं बैठे बैठे ना गुरुदेव के अंदर अंदर ध्यान करती, वो सिमरन करती रही मंत्र जाप। तो उसके बाद में वहां से मैं उठ के आके तो गुरुदेव का जहाँ मैंने फोटो लगा रखा जिस कमरे में, वहां आके मैंने गुरुदेव के आगे शीश नवाया और सब कुछ ठीक हो गया। तो दूध बिल्कुल नॉर्मल आगे से बढ़ता ही गया, दूध खूब आने लग गया, सही हो गया दूध। उसके बाद वो तो मुझे पहले दिख गया तो मुझे वापस आना है। तो ऐसे कोई बात हुई तो मैं अगले हफ्ते मैं घर चल जाऊंगी। तो बेटी रोने लग गई, कह रही मम्मी अभी तो मैं इतने दिन की नहीं हुई और आप ऐसे कह रहे हो। मैं बेटा अब घर पे मुझे जाना जरूरी कोई काम है, मैं रुक नहीं पा रही, अंदर की बात बता नहीं पा रही किसी को भी, जे इस परेशानी से जा रही हूँ। जी जी। मैं आगे आने के बाद बस यही थे, और तो मैं कभी फिर बताऊंगी आपको खूब सारे जब मेरे पास टाइम होगा फिर बताऊंगी। बताइए गुरुबेन, अभी सबके सामने मैं जब मुझे 21 ना 19 की पता नहीं 20 की बात है, 18 की होगी मेरे ख्याल, 19 या 18 की बात है। आंटी आंटी जय गुरुदेव, आंटी जय गुरुदेव। ये किसी दिन शुरू से बताओ कैसे जुड़े, कहाँ से स्टार्टिंग हुई, कितना टाइम हो गया, वो किसी दिन समय निकाल के पूरा बताओ आप। पूरा क्या, थोड़ा थोड़ा बता देते बेटा, टाइम नहीं मिलता नहीं फिर मेरे का। जितना बताना है बता दो, लेकिन किसी दिन जिस दिन समय मिले ना उस दिन पूरा बताना है। ठीक है थोड़ा सा और बताते हैं। हाँ, 18 की बात मुझे पता नहीं है ज्यादा, 18 की जो 19 की बात होगी तो मुझे ना 32-33 साल हो, किसी का और का मंत्र जाप ले, गुरु मंत्र ले रखा है मैंने, तो बहुत ध्यान करती थी उनका, सब कुछ करती थी, जानी में ध्यान काफी करती थी। तो मुझे पता नहीं भी जे भी कोई गुरु हैं, मैंने इनका कभी नाम नहीं सुना था, कुछ मुझे पता नहीं था।
तो मेरे जहाँ मंदिर बना हुआ है उसके सामने आके गुरुदेव घोड़े पे जो तलवार हाथ में लेकर रखते हैं, तो मुझसे कह रहे हैं कि जे गुरुदेव गुरुदेव कर और क्या कहते हैं तेरे बेटे की शादी हो जाएगी और तेरे घर में भी बेटे का भी बच्चा हो जाएगा। तो मैं बहुत परेशान रहती थी दो चीजों की वजह से। तो इस चक्कर में ना मैं फिर जो दिमाग में चलता रही पता नहीं कौन है क्या है समझ में नहीं आ रही। फिर जहाँ साधना रहती है हमारे यहाँ तो वहां जाल एक तो गुरुदेव उड़ के तो उस जाल में नीचे उधर उनके यहाँ चल गए नीचे। मैं ऊपर रहती हूँ और साधना नीचे रहती है तो वहां उधर जाल से नीचे उनके यहाँ चल गए और मुझे एक छोटा सा लकड़ी का घोड़ा दे के गया जैसे उनके पास है ना सेम टू सेम वो दे के गए मुझे वैसे ही। तो मैंने कई दिन फिर में सोचती में पता नहीं क्या समझ में नहीं घर बच्चों पापा को बताया तो कहने लगे तेरे दिमाग में ऐसे घूमती है तो ज्यादा टेंशन में रहती इस वजह से। तो मैं चलो ठीक है फिर बाद में साधना के पास गई तो मैंने गुरुदेव के सब फोटो देखे साधना दिखा मुझे दिखा तो मुझे कोई समझ में नहीं आई। फिर इसने मुझे मैंने कहा कोई कैलेंडर है तो दे रहे मुझे तो मैं कैलेंडर लेके यहाँ गुड़गांव आ गई। गुड़गांव आई तो जैसे कैलेंडर बदलते महीने के तो तब मैंने देखा सेम टू सेम वो फोटो मुझे मिल गई। मैंने तुरंत साधना को फोन करा साधना मुझे मिल गए गुरुदेव मिल गए। तो तब मैं ध्यान वो जो पिछला मंत्र जाता ना करती वही थी मैं तो कभी ये करती कभी वो करती कभी ये ऐसा चलता रहा मेरा। अब जाके तीन चार महीने में सेटिंग बैठी है जब तीन चार साल से। तो उसके बाद फिर बाद में क्या हुआ था बेटी की शादी होगी बेटे के यहाँ बेटा हो गया सब कुछ होगा फिर बाद में सब सही चलता रहा सही चलता रहा। इधर बेटे की शादी थी तो मेरे हाथ में बेटे की शॉपिंग शादी करने जा रहे थे तो हाथ में वो टेम्पू पलट गया एक्सीडेंट हो गया बहुत जबरदस्त वाला एक्सीडेंट हो गया। तो बेटी की शादी होगी प्लस्तर पुलस्तर चढ़ा हुआ सब ऐसे काम होगा। उसके बाद बेटी की शादी हुई वहां बेटी को वापस लेने के लिए गए पंजाब से फोन आ गया कि दीदी खत्म हो गया आपकी हाथ का प्लस्तर। वहां से आने के बाद तुरंत पंजाब चल गई हूँ। तो प्लस्तर मेरा 40 दिन का प्लस्तर बताया था उन्होंने मेरा जिस दिन में मेरा हाथ सही होगा पंजाब गई 13 दिन वहां दीदी के वहां बच्चों के पास रुकना था उनके मम्मी पापा कोई भी नहीं रहे मम्मी भी नहीं और पापा बचपन में खत्म हो गए उनके। तो मैं बच्चों दोनों बच्चे बेटा और बेटी थी उनकी वहां उनके पास बैठे रहे वहां गई जो कि दूसरे दिन मुझे अंदर ऐसे लगा जैसे मेरे हाथ में पिस पड़ गई सड़ गया अंदर हाथ। मैं अंदर चुप करके वहां बैठी रहती थी और गुरु का ध्यान करती रहती थी अंदर अंदर मैं मुझे यहाँ से 12-13 दिन मुझे रुकने दो घर जाते में प्लस्तर कटवा दूंगा। गुरुदेव की ऐसे कृपा हुई जैसे वहां से आई 13-14 दिन से आते ही मैंने प्लस्तर कटवाया यहाँ 40 दिन में हाथ की हड्डी जुड़नी थी प्लस्तर कटवाया सड़ तो गया मेरा हाथ बिल्कुल और हड्डी बिल्कुल सही जुड़ गई सही जुड़ गई। और फिर उसमें ऐसे ऐसे क्रिया होती थी जैसे सड़ा हुआ हाथ तो मैं ध्यान कर रही रोती रोती तो मेरे हाथ में से ऐसे जो गंदगी थी ना मुझे उड़ती दिखाई दी वहां से हाथ में से उड़ती हुई दिखाई दी वहां से और मेरा हाथ में जब मैं सोच लिया मेरा हाथ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उसके बाद दुआई दुई चली मेरा हाथ बिल्कुल सही हो नहीं तो 20 दिन में कौन सी हड्डी जुड़ती है ये देखो कहां से कैसे कैसे। और फिर भी मेरा ध्यान ना मंत्र जाप वो ही चलता रहता है ये करती हूँ वो करती हूँ ये करती हूँ ऐसे चलता रहा मेरा 2-3 साल। उसके बाद फिर मैं कहती हूँ मैं सब अपने अपने गुरु के लिए सब बोलते हैं मेरा वही पुराना वाला गुरु ठीक है फिर दिमाग में वही बात आई। उसके बाद में फिर कैसे कैसे करके मैं गुरुदेव के चरणों में लगी बिल्कुल अब सब कुछ छोड़ दिया। हाँ पूजा करती हूँ कभी कभार ऐसी बात नहीं पूजा तो करती हूँ मैंने सब कुछ छोड़ दिया उनको छोड़ दिया जो पहले गुरु थे उनको मैंने छोड़ दिया। मंत्र जब आप भी कभी कभार आ जाता है तो मैं ज्यादा ध्यान नहीं देती हूँ लेना होता है अपने आप। उसके बाद आंटी ये भी बताएं आप
कुर्सी पे बैठे बैठे ध्यान लगा था, चेयर पे बैठे बैठे गुरुदेव की पत्रिका हाथ में आते ही आपका ध्यान लग गया था। वो तो तेने बता ही दिया, मैं क्या बताऊं। आपके मुंह से सब लोग सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आप मेरे आए हुए थे, कुर्सी पे बैठे थे, पत्रिका में गुरुदेव के चित्र को दिखाई जा रही थी। आप कह रहे थे कि वो जो दिखे थे सपने में वो कौन से हैं, कौन से, ढूंढते ढूंढते आपका ध्यान लग गया था। मुझे पता, अब ज्यादा ये बताया तो बताइए। हाँ। गुरुदेव तो उसके ऐसे छोटी छोटी मूर्तियां मेरे साथ बहुत हो चुके, बहुत कुछ हो चुका है ना। तो एक हालत एक दफा तो ऐसे हो गई थी मेरी, मैं जीना ही नहीं चाहती थी, तो जो जीना ही नहीं चाहती थी। फिर बाद में ऐसा मन हुआ कोई मतलब नहीं किसी से भी, तो फिर वहां जहाँ पंजाब में जो भांजी रहते हैं ना, उसके मम्मी पापा नहीं है, तो उसको परेशानी काफी रहती थी। गर्दन ने जैसे हाथ लगा के उठाती थी, हाथ से ऐसे रखती थी, तो वो मेरे पास फोन करती, मासी मुझे जय दिक्कत है, जय दिक्कत है। तो फिर मैंने उसे डरते डरते गुरु मंत्र दिया, मैं बेटा तू ध्यान करके देख, तेरे को कुछ पता चलेगा। तो करी मासी क्या करूं मैं, तू करके देख, मैं डरती हुई मैं तेरे से कह रही हूँ, तो एक बार करके देख लेना बेटा। जब उसने करके देखा ना, तीसरे दिन फोन आया, मासी मेरी गर्दन बिल्कुल ठीक हो गई, नहीं तो हाथ से उठाती थी, हाथ से लेटती थी, बहुत परेशानी थी। तो इस चक्कर में उनको फिर दोनों बहन भाई थे, मैं बेटा आप इनका ध्यान कराया करो, तुम्हारे पास कोई भी नहीं, मैं जय तुम्हारे माँ है, जय तुम्हारे बाप है। तो बच्चे दोनों परेशानी में रहते, कोई नहीं है, छोटे बच्चे हैं, शादीशुदा नहीं है। तो इसी चक्कर में फिर बाद में उसने फिर देखा भी मासी बहुत परेशान है, बहुत परेशान। तो उसने मेरे पास ऐसी ऐसी वीडियो भेजी कोई, तो उसे देख के ना मन रहा मेरे से भी दुखी लोग बैठे हैं, क्या करना, क्यों अपने आप को वो करना। तो फिर मेरा मन शांत हुआ, तब से मैं गुरुदेव का ध्यान करने लगा। फिर एक बार ध्यान करने लगे, पहली बार जब इनका ध्यान करा तो मेरे मन तिलक यहाँ होता ना, तिलक लगाते हैं वहां, मुझे ज्योत जल गई, ज्योत जली, ज्योत जली, तो मैं ही ज्योत जल गई, जैसे अपने दिए ज्योत नहीं जलते, हाँ ज्योत जली। फिर बाद में फिर नहीं, कई दिन कुछ भी नहीं, मेरे गुरुदेव ने लालच देते हैं, मैं देखो अब तो ज्योत लगा दी, और अब जुगनू भी नहीं जलता, मैं ऐसे ऐसे करती रहती थी, अब तो जुगनू भी नहीं जलता। देखो मेरे उस दिन तो पहले बार ध्यान करा तो ज्योत जल गई, ऐसे ऐसे करते करते फिर मुझे कुछ दिन पहले दिखाई दिया था, जैसे क्या था, हाँ हल्के फुल्के जैसे जो होते ना, जैसे कोई देवी थी, मुझे नहीं पता कौन थी, तो जैसे नागिन नहीं बैठे थे नाग, जैसे दिखाते हैं फिल्मों में, ऐसे पूरे हीरों से जड़ी हुई थी, हीरों से ऐसे चमक वाइट वाली, तो मुझे आगे चक्कर पे दिखाई दी, दिखाई दी। उसके बाद दूसरे दिन दो सांप दिखाई दिए, वो उसके क्या कहते हैं हीरे के बने हुए दो दो सांप दिखाई दिए, मैं समझ में नहीं आ रही मुझे ये क्या। मैंने साधना को तुरंत फोन करा, मैं साधना आज मेरे साथ जे जे आसा, मैं मुझे नहीं पता जे क्या है। तो उसके बाद वो बात हुई, तो फिर क्या हुआ था अभी ज्यादा आ जाए फिर बताते हूँ। हाँ हाँ बेटे की, वो हाँ बेटे की आ गई, वो बात बीच में रहेगी, तो वो टेंशन में थी, तो मैं ध्यान कर रही थी, मेरे ना जैसे दो तारे नहीं जोड़ती हैं लाइट की, और वो चिंगारे छूटती है, ऐसे मेरे आगे चक्कर पे चिंगारे छूटी, हाँ जैसे पार्किंग होती है वो चिरचिराती आवाज, ऐसे वैसे काफी लाइट आई मेरे कमे की। तो वहां से मुझे पता चल गया कौन मेरा है, कौन मुझे चाहता है, कौन नहीं चाहता, अब मुझे पूरी डिटेल का पता चल जाता है। जी वाह, आपका आज्ञा चक्र खुल चुका है गुरुदेव की कृपा से गुरुबहन। तो मुझे ना अब ना अब मैं किसी से बात नहीं करती, मेरा मन नहीं करता किसी से बात करने का, मैं चुप करके रहती हूँ, मेरे पोते में मस्त रहती हूँ, बस मैं पोते में मस्त रहती हूँ। हाँ मेरा पोता जब मेरा पोता तो मेरे से भी ज्यादा वो करता है गुरुदेव, ओम श्री गंगा नाथ नमो, ओम श्री गंगा नाथ नमो, वो तो जब छोटा था ना तब से करता, जब 9-10 महीने का होगा तब से पत्रिका लेके आए थे, तब उन पत्रिका में पहले गुरुदेव की फोटो होती थी, उनको नीचे झुक के सिर निवाता था, फिर उनमें कहता राजस्थान में बोली भी नहीं बोलते हैं, जैसे
मेरे मम्मी पापा खट्टे हैं, मेरे मम्मी पापा खट्टे हैं, उनमें ढूंढता था वो। तो मैं ही क्या क्यों ऐसे बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आ रही। पर इसके कई चीजें मैंने ऐसे अनुभव की, बहुत ज्यादा करी मैंने इसे बच्चे के हिसाब से देखा ना, जैसे बच्चा बोलता था हर समय सोता सोता फोटो देखता है। और कई दफा मैंने इसकी आंखों में मुझे अलग सिलेट दिखाई दी। अब कोई मेरे यकीन तो मानते नहीं है, मैं किसी को कुछ नहीं बताती हूँ, तो मुझे भी कुछ अलग सा दिखता है इसकी आंखों में कभी कभार। और घर गए थे दीपावली पे घर हम, तो हमारा सीढ़ी थी सबसे ऊपर ऊपर वाले जीने से, दो छत से जाने छत पे से नीचे आके ऐसे गिरा जे होता मेरा, मैं तो सुबह सुबह रो रो के मेरा तो बुरा हाल हो गया। और उससे पहले मुझे दो तीन दिन पहले सपने में दिख गया था, उसके मुंह पे पट्टी बंधी हुई थी, पट्टी बंधी हुई थी। तो मैं कह रही मैं पता नहीं दिमाग में तो मेरे जो चलता रहा, मैं इसको कोई ना कोई दिक्कत आ ना जाए मुझे, जो सपना देखा कि सच ना हो जाऊ, मैं किसी को बता ही नहीं। फिर बाद में जब छत पे गए तो उसके दादू थे मैं थी, तो जीने से गिरा ऊपर वाली सीढ़ी ऊपर की छत से नीचे आके गिरा मैं, आज मेरे पोता नहीं रहे, मेरे हाथ पैर बिल्कुल टूट गए। जब साधना आई, भाज के आई साधना को नीचे, पता चला भी आंटी रो रही, तो उसने आके देखा, उसने कहा आंटी ऐसे कुछ भी नहीं होगा जो इतना गुरु को करता है, कहीं से भी गिर जाए ऐसे कुछ नहीं होगा, क्यों परेशान हो रहे तुम, देखो बिल्कुल सही। पर मेरी हालत वैसे ही, मेरा शरीर साथ नहीं दिया उस दिन, पूरे दिन रुक रुक के पूरे दिन रोती रही, वो सीन याद आता रहा मुझे, आई इतनी ऊंची से गिर गया कुछ हो जाता है, कितनी मुश्किल से मैंने इसे लिया और कहाँ कहाँ मन्नतें मांगी, तब जाके जाया गुरुदेव की कृपा से। मैं क्या करती, जय दिमाग में चलती रहती थी हर समय, जय चलती रहती थी मेरा। तो उसके बाद अब भी फिर यहाँ आए गुड़गांव आए, तो उसके बाद फिर मैंने उसके सिर पर पट्टी देखी, कुछ निकलता हुआ सिर में से, फिर मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं फिर इसे लगेगी चोट। फिर इसके फिर भी दो तीन दिन बाद फिर इसके चोट लगी थी, तेज लगी, तो फिर मैं फिर मेरी हालत खराब हो गई और लगी बहुत तेज। तभी दो साल का नहीं हुआ वो, जो 9-10 महीने से सब क्रिया करता आ रहा है। तो फिर बाद में उसने देखा तो उसके चोट लगी बहुत तेज, मैं जहां मैं देखती वही वाली बात हो गई। तो मैं क्या हो बेटा, क्या गुरुदेव मारते हैं, श्री गंगानाथ मारे, गुरु श्री गंगानाथ नमो ठीक कर देते हैं मुझे, जे कह रहा मैं है, मैं जे क्या बोल रहा दादी, मैं हाँ गुरुदेव मारते हैं श्री गंगानाथ महाराज ठीक कर देते हैं, मैं जी क्या बोल रहे मुझे समझो नहीं। फिर बाद में मैं जी हर समय इनका ही गुणगान करता ना, ओम श्री गंगानाथ नमो, ओम श्री गंगानाथ इनका ही करता। अब चार जयपुर गया था 1 तारीख से, तो चार पांच दिन वहां रह के आए, तो जय जाप करता रहा वहां पे, मम्मी पापा के साथ घूमने गए ना, तो जय जाप चलता रहा इसका वहां पे। तो कह रहे इसके इसके अलावा कुछ दिखा ही नहीं, पापा भी कह रहे मम्मी भी कह रही। मैं जब उनकी नगरी में जाके आ रहा, तो वो तो मुझे ही पता है ना, तो ये ऐसे ऐसे क्रिया होती है। और एक दफा क्या हुआ था, हाँ मैं ऐसे लेटी हुई थी पोते के साथ नीचे गद्दे पे, छोटा था तब, तो मुझे एक औरत दिखाई दी अंदर आती हुई, अंदर औरत दिखाई दी। तो मैंने जी है कौन, राजस्थान के कपड़े पहने हुए थे, मैं जी है कौन समझे, रातों का टाइम था। तो फिर मैं 2-3 दिन बाद ध्यान करी, मैं गुरुदेव जी कोई भी हो तो मुझे दिखाओ, मुझे समझ में नहीं आई जो औरत कैसे आई अंदर। तो जैसे मुझे ध्यान में क्या दिखा रहे हैं, जो चूहे नहीं होते जी, चूहे जी। उनके वो पूरे चल रहे हैं, पूरी भरी हुई चूहों से। मैं आए जो तो राजस्थान वाली जो माता थी चूहों वाली, वो दिखाई दी मुझे, ये एक है मैंने कई मंदिर राजस्थान में मैंने देखा नहीं, सुना सुना खाली, करणी माता का मंदिर है। चूहों वाली मुझे नहीं पता, मेरे ये तो राजस्थान वाली माता कोई दिखाई दी है मुझे, चूहों वाली माता जिसे बोलते हैं करना माता, मुझे नाम का नहीं पता था। राजस्थान में बीकानेर में करणी माता मंदिर, मुझे नहीं पता। राजस्थान वाले कपड़े पहने हुए थे जैसे राजस्थान का चूड़ा होता और बेसे। और उसके बाद में क्या हुआ था, मैं ध्यान में बैठी थी, ध्यान में बैठी तो मेरा पिछला जन्म दिखाई दिया मुझे, जो बच्चों के पापा थे जय मेरे पति थे, पिछले जन्म में। हाँ और
कहाँ थी, जैसे वो होते नहीं चूड़े, डबल डबल चूड़े पहन कर रहते प्लास्टिक वाले, खूब बड़ा जी, महल, राजा महलों राजा वो होता नहीं, खूब सोना सोना पहना हुआ, खूब पहने हार पहने हुए, जो माथे पे वो राजस्थान में लगाते हैं वो पहने हुए मेरे, और जय भी बच्चों के पापा जैसे आप सर्विस में बाहर रहते थे, बाहर रहते ऐसे उस टाइम भी उनका कोई बिजनेस था, और सफेद कपड़ों में सफेद धोती सफेद कमीज और सफेद घोड़े पे कहीं बाहर जा रहे हैं बिजनेस के मामले, मैं ही समझ में नहीं आ रही, मुझे जय दिखाई दिए अब भी और जय भी अब भी हैं, मुझे जय समझ में, फिर मैं गुरुदेव कहते हैं ना पिछला जन्म दिखता है, मैं मुझे पिछला जन्म दिखता है, जो मेरा भाई था जो छोटा है मेरा भाई सबसे, और वो मेरे वहाँ पिछले जन्म में गाय का दूध दुह के मेरे गेट के आगे खड़ा होता था लेके, और वो विचार उस स्थिति में भी अब वैसे ही है और पहले भी वैसे, मैं गुरुदेव इसके इससे तो सही करो इसे कुछ न कुछ, मैं पहले भी वैसा था अब भी वैसा है जी, जे जे मैंने देख रखे समझो न्यारे, तो और कब बात ज्यादा ही फिर बताऊंगे, जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव। गुरुबन कोई और भी अनुभूतियां तो सुनाइए गुरुबन, अच्छा लग रहा है आपकी अनुभूतियां सुन के, बहुत बड़े अनुभूतियां गुरुबन आपकी। मेरे साथ तो कुछ न कुछ चलता ही रहता है, कुछ न कुछ चलता ही रहता है, तब ये चक्कर में आपके पास टाइम है तो गुरुबन कब से जुड़े थे आप बताने बताइए सबको, मतलब मैं कहते रहे जो 18 होगा जो 19 होगी, 18-19 की बात है, मुझे पक्का पता नहीं है, हम जब बच्चों में पापा की ड्यूटी वहां थी क्या कहते हैं सहारनपुर, तो हम होली पे घर पे आए थे उस टाइम गुरुदेव दिखाई दिए थे मुझे, अब जब से तो ऐसे चल रहे, किसी ने बताया होगा गुरुदेव के बारे में फिर? नहीं मैंने देखा नहीं था इनको कभी, ना मैंने सुना था, अजय आए हुए थे नीचे, इनकी फोटो होगी मैंने देखी नहीं, फोटो भी नहीं देखी थी इनकी, फिर साधना आ गई थी उसके बाद मेरा थोड़ा थोड़ा आना जाना हुआ था नीचे, जब मैं सहारनपुर रहती थी फिर कभी कभार आते थे तब मिलती थी मैं, जैसे आप यहाँ से गुड़गांव से जाती हूँ तब उससे मिलती हूँ, चाहे वो टाइम मिले ना मिले उससे जरूर मिलती हूँ, थोड़ी देर के लिए खड़ी खड़ी जाके जरूर मिल के आती हूँ, तब गुरुदेव ने तो खुद पकड़ा, मुझे तो पता नहीं गुरुदेव भी कोई चीज है, एक फिर ऐसे ऐसे आपने गुरुदेव, ये मेरे 5-6 साल से उल्टियां होती थी, पित्त पेट में दर्द रहता था, और होता जब कोई होता था रात को ही होता था, इतनी परेशान उल्टियां आके 5-6 सालों से परेशान थी, तो अभी तो यहाँ 3-4 महीने हो गए होंगे, उस टाइम में दिवाली से 1 महीने पहले की बात है, जैसे कुछ दिन हुआ था, पहली तारीख थी पता नहीं कौन सी थी मुझे याद नहीं है, दिवाली से पहले जो उनसे मिलना आता है तब, तो मैं ध्यान कर रही, तो मेरे जो ध्यान ऐसा लगा बेड से ना आधी ऊपर उठ गई, सिर नीचे लाते नीचे कमर वाला हिस्सा ऊपर उठ गया ध्यान में, तो मैं पता नहीं समझ में नहीं आ रही मुझे, मैं फिर 15 मिनट शांत हो, तो सुबह मेरे से ना उठा नहीं गया आधा हिस्सा मेरा शांत हो गया, मैं अब समझ में नहीं आ रही ना मेरे से इधर हो जा रहा ना इधर हो जा रहा, इतना दर्द, तो बेटा उठा 5 बजे, बेटा जिम जाता, मैंने बेटे को बुलाया तो क्या मैं मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं ऐसे ऐसे मेरे से हिल ही नहीं जाता, तो फिर बेटा बाद में चाय बना के ले आके आए मेरे लिए 5 बजे, फिर बाद में उस दिन फिर मुझे दवाई दिला के, फिर नहीं शाम को, हाँ तो कह रहे मम्मी आप तो डॉक्टर मिलेंगे नहीं, शाम को मैं लेके चलूंगा, शाम को लेके गए तो उन्होंने 2 महीने की दवाई दे दी, 12-13 हजार वो ले लिए, जो थोड़ी सी परेशानी हुई इन्होंने जे ले लिए, फिर उसके 1 हफ्ते बाद वो पेट में दर्द फिर शुरू हो गया, फिर शुरू हो गया, तो उसके बाद पेट में दर्द शुरू हो गया, तो पूरी रात उल्टियां आती रही, 3-4 दिन में तड़फती रही, फिर मैंने गुरुदेव की ने एक कुछ सुनी थी वीडियो में, कोई भाई अब वो बता रहे थे इनके चरण धो के ना पियो तो सब कुछ ठीक हो जाए, मैंने गुरुदेव का वो कार्ड निकाला फोटो, मैंने पूरा घोल घोल के धो के पी लिया, मैं भी बहुत चरण कह रही मैं पूरी पी लेती हूँ, मैंने पूरा पिया तो थोड़ी देर तो शांत, फिर मैं फिर पेट में दर्द, मैं गुरुदेव जब मुझे मारना तो मार दो, जे सही करना तो सही कर दो, मैं मेरे से अब सहन नहीं होता, पूरी रात तड़पती रही,
सुबह बेटा उठा तो बेटा फिर लेके गया, इमरजेंसी में लेके गया, तो फिर वहाँ दवाई दुई दी, टीका लगाया दर्द के, डॉक्टर आए तो उसने देखा कैसे पथरी का दर्द है, पित्त में पथरी है, तो पित्त में पथरी है तो फिर बाद में क्या ऑपरेशन आज ही होगा, जब नहीं होगा तो फट जाएगा अंदर से। तो मैं ही फिर मैंने गुरुदेव का वो ध्यान कर, मैं नहीं कर रही, मैं अब ध्यान इनका नहीं करूंगी, फिर मैं पुराना मंत्र चालू कर लिया, पुराना कर लिया, फिर मैं टीका लगा, मुझे पता नहीं होगा बेहोश होगी मैं। फिर मैं दो दिन बाद घर आई, फिर मैंने फोटो फोटो उतार कर रखी थी ना, फिर मैंने वापस लगाई, मैं नहीं फोटो तो लगाऊंगी, पोता कहता है गुरुदेव कहाँ गए, वो पूछता है, मैंने वापस लगा ली। तो मैं गुरुदेव की तरह मुंह करके नहीं सोया, सेठ से ना मुंह करके सोती रही, तो फिर मैं सोते सोते का ध्यान लगा रहा, मैं ध्यान लगाती गुरुदेव का। तो मेरे जो पीछे नहीं होते अपने जो इंसान मरता है उसकी क्रिया करते हैं खोपड़ी में सिर में, जी 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 हाँ, पंडितों की चुटिया होती है उसका नीचे वाला हिस्सा होता है, वहां मेरे सिर में इतनी जोर से बम फूटा, मुझे आवाज सुनाई दी बढ़ार देर से, मैं ही ये क्या हुआ मुझे समझ नहीं, मैं एक मिनट से शांत हो गई, फिर धीरे से मैं उठू, मैं सिर ठीक भी है कि नहीं है, जब मैंने सिर देखा मैं ठीक है, सब कुछ ठीक है, फिर मैंने साधना को फोन करा, मैं साधना आज मेरे साथ ऐसा साधना को फोन करा, और मुझे मैं पता नहीं आज मेरे क्या हुआ क्या नहीं हुआ समझ नहीं, मेरे सिर में ऐसे बम जैसा फूटा, बहुत तेज आवाज आई मेरे, मैं मुझे समझ में नहीं, फिर मैंने कई दिन बाद में सोचा मैं किसे मरने के बाद क्रिया होती, मेरी जिंदगी क्रिया होगी अब, फिर मेरे दिमाग में ये आता रहा, ऐसे ऐसे मेरे साथ होता है, कभी होता है वो करती रहती हूँ, ध्यान चाहिए बस गुरुदेव की कृपा, जैसे रखते हैं वैसे रखी चलती रहती हूँ। आपके पेट वाली समस्या खत्म होगी कृपया आप ध्यान से? हाँ नहीं, ऑपरेशन हुआ फिर, मैं कहते रही हूँ ऑपरेशन हो गया था, फिर मेरा पिता फट जाता है जल्दी ले, हाँ क्यों काफी टाइम से था ना, 5-6 साल से तब फट जाता, तो आप वो पहले जिन जुड़ी थी आप तो बिल्कुल छूट गए होंगे उनका ध्यान, उन्हें करते हो या नहीं करते आप मंत्र जाप? ना 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 कुछ भी नहीं, अब गुरुदेव ही गुरुदेव ही, अब तो जैसे सुबह जाती थी मॉर्निंग वॉक करने, फूल ले आती मंदिर में रख देती, गुरुदेव दादा गुरुदेव के आगे रखती, पोता उठ के आता सारे मंदिर में से उठा के फूल गुरुदेव के आगे रख, सब फूल उठाता वहां रख देता। तो मतलब अपन पेज मतलब जिनसे जुड़े रहते हैं ना, किसी भगवान की आराधना कर रहे हो, पुराने गुरु हो अपने, तो उनका छोड़ना क्या है, बहुत कठिन काम होता है, पर गुरुदेव की कृपा होती है ना तब ऑटोमेटिक छूट जाते हैं। इतने साल हो गए मुझे, 32-33 साल हो गए उनका, और बचपन में संतोषी माँ की पूजा करती हूँ बचपन से, पर नहीं हाँ दिया मैं जलाती हूँ संतोषी माँ के आगे, दिया तो जलाती हूँ ऐसी बात नहीं, दिया जलाती हूँ और सब कुछ गुरुदेव के अर्पण कर रखा मैंने, और फिर एक दिन मंदिर में जो पैसे थे पोता आया दादी मियाँ गोदी ली सारे मंदिर से उठा के पैसे गुरुदेव के आगे रख दी, गुरुदेव एक एक सब कुछ उठाया गुरुदेव के आगे, मैं चल बेटा तेरा गुरुदेव है तो गुरुदेव के आगे रखते हैं जैसे ऐसे। अरे एक दिन पोता गए दादी जी, हाँ गुरुदेव गए श्री गंगा नाथ नमो गए मैं कहाँ गए, बोगे खेत में गए हाथ से बता रहा, बोगे नहीं है इसे सच में दिख रही है क्या, समझ में नहीं आ रही मुझे क्या दादी गए तो फिर बाद में कह रहा आगे जय देख दादी आगे जी आगे में इसे दिखता है कुछ इसे दिखाई देते है मेरे से भी ज्यादा वो करता है। अभी 2 साल का है ना आपका पोता? 2 साल का भी नहीं होया जे, तो अभी फरवरी में होगा 2 साल का, जे 8-9 महीने का तब से करता है, जैसे मुझे जैसे ध्यान करते मुझे क्रिया होती ना, जैसे राजस्थान में नाचते घूमट डाल के बैठे वैसे मुझे होती थी, और जैसे शाम का टाइम होता ये घूमट डाल के नाचता था खूब बैठा मैं सेम टू सेम दादी जैसा हाल हो रहा है, मैं किसी को बताती नहीं, कोई सुनता तो है नहीं मेरी, तो इस चक्कर में अपने मन में रखती थी जे वही ध्यान ज्यादा करता मेरे से भी ज्यादा। अभी कल परसों कह रहे गुरुदेव गए गुरुदेव गए मैं कहाँ गए, वो गए कर रहे थे, फिर अब सोएगा तब कहता दादी गुरुदेव लोरी सुना, दादी गुरुदेव लोरी सुना,
फिर गुरुदेव की लोरी सुनाती हूँ, फिर वो सोता है। बहुत बढ़िया गुरुबहन, मैं जब तक हूँ जब तक तो रखूंगी उसके पास, बाद में कोई ध्यान करवाए ना करवाए उनके मम्मी पापा के टूटे। नहीं, वो सब गुरुदेव की कृपा है, सब कुछ गुरुदेव करेंगे, जो भी करेंगे उनके ऊपर है। आप तो किसी चीज की टेंशन ना करें, सब कुछ गुरुदेव के ऊपर छोड़ दें। मैं तो उनपे छोड़ रखा, मेरा जीवन ही उनपे छोड़ रखा, यहाँ जीने की आस नहीं थी, वो गुरुदेव की वजह कृपा से आज मैं बैठी हूँ। और जो मेरी भांजी थी ना, जिसे मैं पंजाब वाली बता रही थी, उसे वो ध्यान करती तो उसे तो कह रही, वो कह रही मासी मुझे ऐसे दिखाई दिया, ये लाइट नहीं बाथरूम में चमकती, बाथरूम में लेट कड़कड़ा के चमकती है, मेरे मत्थे में ना ऐसे आगे चक्कर पे ऐसे लेट चमकी के मैं डर गई, उठ गई एकदम से भी, ये क्या हो रहा है, पूरे घर में उजाला हो गया था। नहीं बेटा, इतना कुछ होने के बाद भी तुम ध्यान नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो, आपके तो घर में विराजमान हो गए गुरुदेव। बिल्कुल, मैं इतना कहती हूँ बेटा एक फोटो बनवा लो, बेटा एक फोटो बनवा लो, मुझे एड्रेस का पता नहीं, नहीं तो मैं एड्रेस पे भेज दूँ, कुछ कर दूँ। तो इस चक्कर में वही है, बच्चे हैं दोनों, समझ नहीं, मम्मी नहीं पापा नहीं, दोनों बच्चे बेचारे क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो गुरुबहन, आप जब भी उनको दियाना है फोटो गुरुदेव का उनके लिए, मतलब बनवा के? नहीं, वो तो मैं जाऊंगी तो अपने आप ऐसे ऐसी जगह मैं खुद ही लगा के आऊंगी, 3-4 जगह लगा के आऊंगी उनके घर में, है ना। आप बोले उनसे, आप ध्यान कीजिए, मतलब सब गुरुदेव की कृपा से सब ठीक होगा। नहीं, मैं तो कहती हूँ बेटा सब ठीक हो जाए, ध्यान कराया करो बेटा, सब ठीक हो जाए, ध्यान कराया करो। मैं तो बहुत कहती हूँ उनसे, करती है कहती मासी बैठ के सुबह शाम नहीं होता, बेचारे वो सिलाई का काम करते हैं, तो मासी कह रही उसे अपना रोटी रोजी का कर रहे दोनों बहन भाई, ना बेटी की शादी है। क्या था मैंने करे, मासी सुती सुती कर लेते हैं, मासी सुते सुते में चल बेटा कैसे भी करो करो, मैं एक फोटो लग जाती तो सही हो जाता, और क्या, फोटो से तो बहुत फर्क होता है घर में। जी जी बिल्कुल, आप तो जितना हो सके मंत्र जाप करने की कोशिश करें, हो मंत्र जाप जब स्टार्ट हो जाएगा फिर उसके बाद किसी की कोई जरूरत नहीं है। यही कहती हूँ मैं बच्चों से, जब भी मैं टाइम मिलता बच्चों से बात करती हूँ उनसे, तो यही बात करती हूँ। चलो भाई जी, जय गुरुदेव, आज तो बहुत खींच दिया मैंने, पहली बार आई तो। चलो भाई जी, जय गुरुदेव, फिर बाद में कभी। बिल्कुल गुरुबहन, जब भी आप टाइम मिले, आपकी अनुभूतियां बहुत अच्छी है गुरुबहन, मतलब सबके सामने शेयर कीजिए, अच्छा लगता है, मतलब अनुभूतियां। हां, सोच रही थी बहुत दिनों से टाइम नहीं मिलता, फिर आज अंदर आके कुंडी लगा के रूम में बैठी हूं। चलो भाई जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, सुबह भी आ जाती हूँ ऑनलाइन, सुबह भी ध्यान करती हूँ 15 मिनट का। चलो भाई जी, जय गुरुदेव, सभी को जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कोई और की कुछ अनुभूति हो, कुछ प्रश्न हो तो कृपया एड्रेस कीजिए, कोई भी गुरु भाई बहन। गुरुबहन की बहुत अच्छी अनुभूति है थी। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। गुरु भाई, मैं ये आप सभी से पूछना चाहता हूँ, जैसे कि अजपा जो होता है वो कैसे पता चलेगा कि शुरू हो चुका है, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़ा सा लग रहा है, तो मैं करना चाह रहा हूँ। अजपा गुरु भाई, मैं कुछ अपनी मतलब मेरे विचार रखूंगा इस बात पे आपकी, पे अजपा होता है, मतलब आप जब भी नींद में हो उठो उस टाइम पे आपको लगे कि नहीं मंत्र अंदर से चल रहा है, फिर आप नहीं बोलना चाहो तब भी ऑटोमेटिक मंत्र जाप चलता रहता है ना, वही मेरे हिसाब से तो वही जपा होता है। और फिर इस बारे में कोई भी गुरु भाई बहनों तो अपने विचार रख सकते हैं, और अपना माइक बंद करके कोई भी गुरु भाई बहन। अभी गुरु भाई, जहां तक मेरे विचार है वहां तक अभी मैं रहे तो मैं अभी भी आपसे बात कर रहा हूँ, फिर भी मंत्र चल रहा है मेरे भी चल रहा है। मैं कहा ना, आप तो 10-15 दिन जप लो, उसके बाद फिर ऑटोमेटिक अंदर बैठा हुआ जपेगा, आपको फिर जपने की जरूरत नहीं है।
तो वाली कंडीशन होती है अजपा की गुरु भाई। हाँ मेरे साथ भी ऐसा तीन चार दिन से ऐसा हो रहा है, तो मैं को कंफर्म करने के लिए आप सभी से जानना चाहता हूँ। जी बिल्कुल गुरु भाई, आपके ऑटोमेटिक चल रहा है तो फिर अजपा स्टार्ट हो चुका है आपका, आपको कुछ सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, है ना। आप बस आपको कुछ दिन उसके बाद आपके अंदर अंदर बैठा हुआ जपेगा, फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं, आपको जपने की जरूरत नहीं, तो फिर वो अपन क्या है कुछ भी कर मंत्र जाप पे ध्यान स्टार्टिंग में तो क्या अपन कुछ बोल बोल के मतलब कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद अपन को मतलब कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक चलता है, अपन नहीं चाहते ना उसके बावजूद भी चलता रहता है मंत्र, वही जपा होता है। और फिर भी कोई गुरु भाई बहनों अपने विचार रखना चाहे तो कृपया माइक ऑन कीजिए अपने, कोई भी गुरु भाई बहन। तो गुरु भाई आपके अजपा शुरू हो चुका है, ऑटोमेटिक चल रहा है, तो अजपा स्टार्ट हो चुका है, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है गुरु भाई, ठीक है इतना उतना मंत्र जाप पे बस चली रहा। और मतलब आपकी परेशानियां जो भी थी वो कुछ अनुभूतियां हो तो बताइए गुरु भाई। अनुभूतियां जी है कि ध्यान मेरा बहुत गहरा लगने लगा है आजकल, बहुत ज्यादा जी। और जैसे गुरुजी का मैंने पहली बार स्पीच सुना था, तो वो कहते थे कि मैं तो एक नाम का नशा करवाता हूँ, तो ये मैं महसूस मतलब पूरे दिन मेरे को नशा सा रहता है। और मैं आज स्कूल में था तो एक टीचर ने मेरे को देख के बोल भी था, क्या हुआ, कैसे परेशान से हो, खोए के हो। मैंने कहा मुझे पता मैं कहाँ खो रहा हूँ आजकल, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत जी। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं रहा, किसी की बात बुरी नहीं लगती मेरे को, और बस मैं अपने में खोया रहता हूँ। आप तो बस गुरुदेव का मंत्र जाप आप अजपा स्टार्ट हो ही चुका है, कोई मतलब आपको कुछ कर बस टाइम का ध्यान और मंत्र जाप की कुछ सोचने विचारने की जरूरत नहीं गुरु भाई। गुरुदेव ने लगाने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करना है, सही भी करने करेंगे गुरुदेव, बस गुरुदेव से जुड़ जाओ, मंत्र जाप करते रहो, दो टाइम का ध्यान करो, बाकी यस यस बाकी करने नहीं करने से कुछ नहीं होगा, आपको भूल नहीं लगानी। और जैसे आप एक टीचर हो तो गुरु भाई देखो स्टार्टिंग में क्या है, आप 10वीं क्लास में तोड़ना पड़ोगे, स्टार्टिंग तो एक से करनी पड़ेगी ना आपको, शुरुआत तो नीचे से करनी पड़ेगी, तो धीरे धीरे मतलब आप मंत्र जाप करते रहिए, ध्यान करते रहिए, ठीक हो जाएगा गुरुदेव की कृपा से। और जो विचार आते हैं मन बिल्कुल जितना ज्यादा होगा उससे आपके सारे विचार सारी खत्म हो जाएगी। गुरुदेव विशेष जोर देते हैं कुछ नहीं करना, बस आप तो मंत्र जाप करो, अगर कोई परेशानी हो ध्यान नहीं लग रहा हो, कोई परेशानी हो नहीं सो नहीं उसकी समस्या का मंत्र जाप करो, जितना हो सके मंत्र जाप कीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना गुरु भाई, आपको सिर्फ जितना हो सके मंत्र जाप करते रहना है और दो टाइम है, बाकी विचार हैं वो तो चल देंगे तो चलते रहना, तो आप बस विशेष ध्यान मंत्र जाप और ध्यान पे देना है आपको। सुन पा रहे हैं गुरु भाई? हाँ भाई ये जी जी, कोई और प्रश्न हो तो गुरु भाई, नहीं तो दूसरे गुरु भाई बहन को कोई भी गुरु भाई बहन अपने अनुभूति अपने प्रश्न जिज्ञासा मन में हो तो शेयर करने के लिए हैंड रेज कीजिए, कोई भी गुरु भाई बहन। गुरुदेव ने सर मंत्र जाप पे विशेष जोर दिया है, गुरुदेव ने कहा है आपको कुछ नहीं करना, बस मंत्र जाप हमेशा करते रहना है, तेल की धार की तरह, जो भी आपकी समस्या है कोई बीमारी हो तो सब कुछ गुरुदेव ने बताया, मंत्र जाप करते रहे इससे ठीक हो जाएगी, दो टाइम का ध्यान करना है आपको और मंत्र जाप करना है, बाकी अपनी बुद्धि का प्रयास नहीं करना है और बस मंत्र जाप पर ध्यान पे विशेष ध्यान देना है, और जितना हो सके गुरुदेव का प्रचार कीजिए ताकि दूसरे को भी इसका लाभ मिले, और टाइम मिले तो गुरुदेव की स्पीच सुनिए, उसमें आपके जो भी प्रश्न है मन में
कुछ विचार चलते हैं, तो हर प्रश्न का जवाब आपको गुरुदेव की स्पीच में मिल जाएगा आपको। गुरु भाई बहन कुछ अनुभूतियाँ अपनी शेयर करना चाहते तो कृपया हैंड रेज कीजिए, कोई भी गुरु भाई बहन। ये तो सेशन का टाइम भी चुका है, मैं हिंगो जी गुरु भाई से आग्रह करूँगा कृपया सेशन को गुरुदेव के चरण कमलों में समर्पित कर दें। हिंगो जी गुरु भाई मेरी आवाज आ रही है? हिंगो जी गुरु भाई ठीक है सिंह जी गुरु भाई सिंह गुरु भाई भी नहीं है, आप ही कर दीजिए गुरु भाई। जय गुरुदेव, गुरुदेव की दिव्य चेतना जगत में व्याप्त हो, जगत के कल्याण के लिए हो और गुरुदेव की कृपा हम सब पर बरसती रहे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय कल के अवतार की जय हो। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।